हरियाणा में आजकल कांग्रेस कह रही है हम सरकार बनाने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो कोई दिखेगी भी नहीं, जननायक जनता पार्टी तो जीरो पर आकर खड़ी हो जाएगी। क्या लगता है आपको, कांग्रेस पार्टी सरकार बना पाएगी? देखिए, जो संगठन नहीं बना पाया आज तक, तो वो आपको लगता है कि सरकार बना पाएंगे? 9 साल हो गए हैं उनको, कितने उनके प्रदेशाध्यक्ष आए, कितने चले गए, कुछ तो पार्टी छोड़कर भी चले गए। तो ऐसे उसमें जो संगठन नहीं आज तक बना पाया, और अभी भी आप देख रहे होंगे कि जहाँ कहीं पर भी उनके प्रभारी जा रहे हैं, तो वो ऑब्जर्वर जो उनके जा रहे हैं, प्रभारी जा रहे हैं, तो किस तरह से उनके अंदर जो है वो अनुशासनहीनता देखने में आती है। तो कह रहे हैं अनुशासनहीनता है ही नहीं, में ये तो हमारे जिस लिबर्टी में है, अनुशासन ही फ्रीडम नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, फ्रीडम जो है वो भी कुछ लिमिट तक ही अच्छी लगती है कि आप एक दूसरे पर कुर्सियां बरसाएंगे, आप किसी को गाली गलौज करेंगे, क्या इस तरह की फ्रीडम जो है वो फ्रीडम कहलाती है? तो ये अनुशासनहीनता कहलाती है। हमारे कार्यकर्ता अति उत्साहित हैं, उनको पता है कि हम सरकार बना रहे हैं इसलिए अति उत्साहित। मैं आपको बता रही हूँ ना कि इसको अनुशासनहीनता कहते हैं। हमारा संगठन आज जो है वो पन्ना प्रमुख तक पहुंच चुका है। हमारे पूरे हरियाणा के अंदर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, वो 22 जो हमारे जिले हैं, 22 जिलों के अंदर जो हमारी 90 विधानसभाएं हैं, 90 विधानसभाओं में से मुझे लगता है कि 80% जो है वो जगह पर हमारे पन्ना प्रमुख के सम्मेलन हो चुके हैं। और आप एक एक पन्ना प्रमुख का सम्मेलन अगर आप देखें तो वो किसी बड़ी रैली के जैसा होता है। तो ऐसे उसमें जिनका संगठन भी तैयार ना हो, वो तो बन जाएगा, वो कह रहे हैं इस सितंबर के, और वो ये स्वप्न देखें, और वो ये स्वप्न देखें कि वो सरकार बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये अतिशयोक्ति है। सितंबर के अंत तक बन जाएगा जी? बहुत से सितंबर आए और चले गए। आपको नहीं लगता है कि बन पाएगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि बहुत जबरदस्त जो है वहां पर आपस में मनमुटाव है, सिर फुटोवल है, कोई किसी को देखकर खुश नहीं है। जो है सब रोज रात को मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का ताज सिर पर लेकर सोते हैं और सुबह उठकर किसी दूसरे के सिर पर मिलता है वो। तो इसलिए ऐसे उसमें जो है वो उनका जनता से कोई सरोकार नहीं है, उनका जनता की भलाई से, जनता के कामों से, उससे कोई सरोकार नहीं है। उनके सिर्फ दिमाग में बस ये चलता रहता है कि हम किस तरह से मुख्यमंत्री के पद पर।